हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात आती है तो उनके पास बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि शूरी, टोनी स्टार्क, डॉक्टर बैनर और हैंक पिम जैसे वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के अलावा भी उनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो टेक तो यूज करते हैं लेकिन वो दूसरे की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वे इस चीज का अगर लायक है तो उसे यूज कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ कहानी को मजेदार बनाने के लिए कैरेक्टर्स को बेवकूफ दिखाया जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से चूतिया थोड़ी थे। चूतिया नहीं बोलना था। हे खुदा, उन बच्चों का क्या होगा जो मेरी वीडियोस देखते हैं। लॉर्ड डेडपूल, प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा। हाँ हाँ, चलो ठीक है, चुतियापा बहुत हो गया। मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो, किसी के लिए कोई हेट नहीं है। अगर ये सारे कैरेक्टर्स नहीं होते तो कहानी फीकी पड़ जाती। तो वीडियो में सिर्फ 5 ऐसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कतई बेवकूफ, चुतियापा या डम हरकतें कर चुके हैं। खैर, अपने सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें तो आती है अपनी नहीं, सिर्फ मेरी डार्सी लुईस। इस पे किसी का दिल कैसे ना गिर जाए। डार्सी लुईस एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है जो कल्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। एक प्रोग्राम की हेल्प से वो एरिक सेल्विक और जेन फॉस्टर की लैब असिस्टेंट बन जाती है। अब एक बात यह भी है कि एक राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट को साइंटिफिक नॉलेज कितनी होगी। जेन उसको क्वांटम मैकेनिक्स और अदर रेल्स के बारे में क्या क्या समझाती है, उसको समझ ही नहीं आता। अब डार्सी अपने डम होने का प्रमाण तब देती है जब वो एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो के एक लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करती है। मतलब कि एक लॉयर को किसी फार्मेसी पे बैठा दो, उसको क्या पता इसके बारे में। खैर, ये बात भी सही है कि अगर डार्सी ना होती थॉर 1 और 2 में ग्लैमर की थोड़ी सी कमी रहती। अब अपने अगले डम कैरेक्टर पे आते हैं, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। ये भी जॉन सेना बनना चाहता है। नो वन कैन सी मी। अब जैसे कि मूवी में इसकी स्पीशीज ही ऐसी है कि इसे स्लैंग वर्ड, सरकैज्म और मजाक समझ ही नहीं आते। कॉमिक की बात छोड़ो, मूवी की ही बात करते हैं। अब इसने अपने बेवकूफी का प्रमाण तब दिया जब इसने नो हेयर पे रोनन को बुला लिया ये सोच के कि मैं इसके अकेले ही ले लूंगा। अबे गमोरा, मरते मरते बची। अरे क्विल भैया, आपके लिए भी अलग लिस्ट में जगह बनाए हैं। अगले कैरेक्टर की बात करें तो आते हैं ग्रैंड मास्टर पे। अब जिस हिसाब से मूवी में इसकी पर्सनैलिटी है, ये सोचने वाली बात है कि सकार का ये मालिक बना कैसे। हाँ, आखिरी में मरा गई थी इनकी। अब ये भी बात है कि इनकी जनता इन्हीं गांड मारने तुली है। ये मूवी में बहुत ही बड़ा रोल तो नहीं लगते, लेकिन मस्ती वाला आदमी है क्योंकि इसने एक ऐसी शिप बनाई जो इंटरगैलेक्टिक पोर्टल्स में ट्रैवल कर सकती है, मगर आप उससे अटैक नहीं कर सकते। हाँ, अय्याशी के लिए भोग विलास मुजरे सब करा सकते हो अंदर। ये सीरियसली हैरान करने वाली बात है कि ये मूवी में दी ग्रैंड मास्टर बना कैसे। अब अपने अगले डम कैरेक्टर पे आते हैं, मैंटिस। अब मैंटिस एक ऐसी एलियन है जो लोगों के जज्बात पढ़ सकती है और थोड़ा बहुत उनके दिमाग से छिड़खानी भी कर सकती है। अब मूवी में तो हमें यहीं तक पता चला है। अब ईगो ने इसे अपने प्लेनेट पे बड़ा किया था तो किसी और बींग से इसकी मुलाकात तो हुई नहीं। अब लोगों से कैसे बात करते हैं, उनके कस्टम्स क्या है, उनके तौर तरीके क्या है, उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन ये एक इनोसेंट के तौर पे भी देखी जा सकती है। अब इधर एक एग्जांपल से समझो कि जो गधा होता है वो भी इनोसेंट है, उसे किसी से कुछ मतलब नहीं। काम कराओगे करेगा, नहीं कराओगे नहीं करेगा, और यही खूबी उसे गधे का टाइटल दिलाती है। और मैंटिस अपने सबसे डमेस्ट मूवमेंट का प्रमाण एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देती है, जब मैंटिस थैनोस को बेहोश या सबड्यू करना चाह रही थी तो उसने अपना मुंह क्यों खोला। जब कंफर्म पता ही नहीं था कि गमोरा मर चुकी है तो 10 मिनट चुप रहती, गॉन्टलेट सबको मिल जाता, खुशी खुशी सब अपने घर चले गए होते। खैर, आते हैं अपने इस वीडियो के सबसे लास्ट और ब्रह्मांड के सबसे बेवकूफ कैरेक्टर पे, नो ऑफेंस, स्टार लॉर्ड दी पीटर क्विल। तो चलो ठीक है कि मान लिया ईगो ने मैंटिस को बड़ा किया तो मैंटिस को किसी और बींग से इनकाउंटर नहीं हुआ उसका, तो उसे सभ्य समाज की बातों की सारी जानकारी नहीं है। लेकिन पीटर का क्या, इनको तो काना कांडी नहीं ना करनी थी। देख चुके थे कि थैनोस क्या क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी, और यही नहीं, इससे पहले भी ये अपनी बेवकूफियत का प्रमाण दे चुके हैं। तो जब आप देख चुके थे कि पावर स्टोन किसी एलियन का क्या हश्र कर सकता है, तो एंड में उसे पकड़ने क्या जरूरत थी। स्टोन, शुक्र मनाओ बाकी टीम वालों ने हेल्प कर दी, वरना कोई याद ना रखा होता इसे। तो आपको ये सारे कैरेक्टर्स कैसे लगे, आपको इन सबके सबसे चुतियापा वाला कांड क्या लगा। और हाँ भाई, कोई ऑफेंस नहीं है, चिल मारो। अगर ये सारे कैरेक्टर्स ऐसे ना होते तो हमें मूवी में घंटा मजा नहीं आती। और हाँ, और भी मेजर कैरेक्टर्स हैं जो थोड़े क्रैक टाइप हैं, जिन्हें मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, शायद आगे फिर कभी हो जाए। और अगर आपको एमसीयू के और भी किसी कैरेक्टर्स के चुतियापे या बेवकूफियत के बारे में पता है तो कमेंट करिए उसके बारे में, थोड़ा पता तो चले क्या मिस हो गया हमसे। और इस वीडियो में देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मारिए इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब मारिए इस चैनल को, और मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।